दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक अभियंता आप सभी बीटीएससी जेई सिलेक्टेड कैंडिडेट को इस चैनल के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्त आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन जूनियर इंजीनियर के बारे में। चाहे सिविल, इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल के कैंडिडेट हैं, आपके लिए ये वीडियो खास है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, तीन टॉपिक है। पहला है कटअप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बीसी 40% का कटअप जो है कंफर्म हो गया है, और तीसरा जो सबसे बड़ा सवाल है, बीटीएससी जूनियर इंजीनियर का रिजल्ट कब आ रहा है। तो दोस्त आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि इसी तरह का सही सटीक और इन्फॉर्मेटिव न्यूज सबसे पहले मिल सके। जॉब से रिलेटेड सबसे पहले न्यूज पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक टेलीग्राम ग्रुप से आप ज्वाइन नहीं हो पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए दोस्त, हम जानते हैं बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की ओर से आखिर जूनियर इंजीनियर का रिजल्ट कब तक आ रहा है। जैसा कि आप सबको पता है कि कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में छपा था कि असिस्टेंट इंजीनियर एंड जूनियर इंजीनियर का रिजल्ट 15 जुलाई तक आने की पूर्ण संभावना है, जैसा कि असिस्टेंट इंजीनियर का रिजल्ट आपको 14 जुलाई को पब्लिश कर दिया गया, लेकिन जूनियर इंजीनियर का रिजल्ट अभी तक अता पता नहीं है। तो इस वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो में तीन टॉपिक पर बात करने वाले हैं। पहला ये है कि कटअप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कटअप थोड़ा सा इधर उधर हुआ है। और आप सबको सेकेंड पॉइंट बता दूं कि बीसी 40% का जो कटअप है कंफर्म हमको मालूम चला है, जहां तक आप सबको बता रहा हूं। तीसरा सवाल, बीटीएससी जेई सिविल का रिजल्ट कब तक आ रहा है। तो चलिए दोस्त, हम सबसे पहले जान लेते हैं कि कटअप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कटअप जो है 100% सभी कैटेगरी का डिक्रीज करने जा रहा है, चाहे वो 40% का हो चाहे वो 60% का हो। आप सबको बता दूं कि कटअप जो है आपको सिर्फ और सिर्फ सिविल ब्रांच के लिए मैं बात कर रहा हूँ, कटअप के लिए सिविल ब्रांच के लिए बात कर रहा हूँ। रिजल्ट का बात सबके लिए करूँगा, लास्ट में करूँगा, तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले आप सबको बता दूँ कि कटअप जो है 100 से 10% कटअप डिक्रीज करने वाला है। जो मैंने कुछ दिन पहले हाल ही में बताया था मैक्सिमम कटअप, उस कटअप से डिक्रीज करने वाला है। यानी सीधा सीधी बता दे आप सबको तो 60% में कुछ ऐसे कैटेगरी है जिनका कटअप कम जाने की पूर्ण संभावना है, और 40% के कटअप में डिक्रीज होगा। जो मैंने कटअप बताया था 40 और 60% का, कि ये मैक्सिमम कटअप है, इससे कम ही जाएगा, तो बात बिल्कुल सही है, कटअप बिल्कुल कम जा रहा है। और 40% का आप सबको बता दूँ कि मैक्सिमम 6 से 8 पॉइंट तक कुछ कैटेगरी का कटअप बढ़ रहा है। मतलब बहुत सारे कैटेगरी का 6 से 8 पॉइंट तक कटअप इंक्रीज होगा। जैसे कि मान लीजिए आप जनरल का कटअप कितना है, जनरल का मान लीजिए 53 है, तो इसमें 6 पॉइंट नहीं बढ़ेगा, इसमें बस 4-5 पॉइंट बढ़ेगा, मैक्सिमम 4 पॉइंट मैक्सिमम हो गया, ठीक है। तो इसी तरह मतलब 6 से 8 पॉइंट तक बढ़ेगा कटअप, यानी कटअप जो मैंने मैक्सिमम बताया था उससे लो जा रहा है कटअप। तो आप समझ चुके होंगे कि जो मैंने मैक्सिमम बताया है वो मैक्सिमम है, उससे कम ही जाएगा, ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है कि बीसी का जो 40% का कटअप है हमको कन्फर्म मालूम चल गया है 12 जुलाई को पता चला था। आप सबको ग्रुप में भी बता दिया हूँ, अभियंता क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप में आप सबको बता दिया हूँ कटअप के बारे में। 40% बीसी का जो कटअप है, आप सबको बता दूं तो कटअप आपका जा रहा है पूरे आपका 49 पॉइंट से लेकर 50 पॉइंट के बीच में कटअप गया है। 49 से 50 के बीच में बीसी का कटअप गया है 100%। यकीन करिए, नहीं यकीन करना है तो रिजल्ट आएगा तो आप लोग बिल्कुल देख लेंगे। 40% बीसी सिविल का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। 49 से 50 के बीच में गया है। ग्रुप में मैंने बताया था काफ़ी सारे कैंडिडेट यहाँ पर विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन विश्वास करने लायक है, आप समझ सकते हैं। तो चलिए 49 से 50 के बीच में कटअप गया है, काफ़ी लो कटअप गया है, काफ़ी खुशी की खबर है, सबके लिए खुशी की खबर है, चाहे वो कैंडिडेट 2019 का हुआ, फिर किसी भी सेशन का कैंडिडेट हो, जिनका मार्क्स कम है उनका मतलब सिलेक्शन 100% होने जा रहा है। मतलब कटअप जो है परसेंटेज में बात करें तो 65-66% कटअप जाने की पूर्ण संभावना नहीं, बिल्कुल 100% ये कन्फर्म न्यूज़ है। तो 49 से 50 के बीच में कटअप जा रहा है,
तो आप सबको बता दूं कि रिजल्ट बिल्कुल तैयार हो चुका है और बीसी का कट ऑफ हमको मालूम चला। और आप लोग किसी कैटेगरी का कमेंट नहीं कीजिएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बीसी 40% का कट ऑफ हमको मालूम चला। आप सबको सोचा मैंने बता दूं तो ठीक रहेगा, क्योंकि नहीं बताने पर भी थोड़ा सा हो जाता है। और एक बात और, जो मैं बताता हूँ, जो सवाल मैं बताता हूँ, उसके बाद सारा यूट्यूबर बताना स्टार्ट कर देते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि 20 जुलाई तक आपको BTSC जूनियर इंजीनियर का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, उसके पीछे पीछे सारा मतलब लोग बताने लगे कि रिजल्ट आ जाएगा आ जाएगा। तो ठीक है, बिल्कुल बात यहाँ पर सही है। तीसरा पॉइंट वाला सबसे बड़ा सवाल, रिजल्ट कब आएगा? तो BTSC JEE जूनियर इंजीनियर का रिजल्ट जो है आपको 20 जुलाई तक मैंने बताया था, तो बिल्कुल 20 जुलाई से पहले रिजल्ट यहाँ पर आने की पूर्ण संभावना है। आज है आपको 16 जुलाई, तो हो सके तो आपको कल रिजल्ट शाम शाम तक आ सके, या तो फिर 18 को संडे है, 18 को भी रिजल्ट दे सकता है। 20 के पहले अगर, 20 के पहले अगर रिजल्ट नहीं आया, मैं वादा के साथ कहता हूँ, 20 के पहले अगर रिजल्ट नहीं आया तो जैसा कि मैंने बताया था, तो 100 to 10% हम प्रोटेस्ट करवाने जा रहे हैं और आप लोग के सामने रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा। बिना प्रोटेस्ट के रिजल्ट फिर नहीं आएगा 20 जुलाई के पहले अगर रिजल्ट नहीं आता है तो। लेकिन यहाँ पर उम्मीद जताया जा रहा है कि रिजल्ट कल या परसों आपको देखने को मिल जाएगा। संडे है तो कोई दिक्कत नहीं है, संडे को भी, यहाँ सैटरडे संडे को भी काम हो रहा है ऑफिस में, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, संडे या फिर सैटरडे को भी रिलीज हो सकता है। तो आप बस वेट कर लीजिए 2 से 3 दिन, और अगर 20 जुलाई तक नहीं आता है तो एक बार फिर से कहता हूँ कि आप सबको प्रोटेस्ट करना होगा और रिजल्ट आप लोग के हाथ में रहेगा। उसके बाद आप सबको खुशी की खबर मिलेगी और आप जूनियर इंजीनियर बनने जा रहे हैं। अगर आप समझिए बीसी 40% का जब कटअप मालूम चला है कि 49 या फिर 50% गया है, तो आप समझिए और किसी कैटेगरी का भी तो इससे भी कम गया होगा, इसके आसपास में ही गया है कटअप। ठीक है, तो बीसी 40% का कटअप कंफर्म चल गया है, ये ध्यान में रख लीजिए। अब बहुत लोग कमेंट ये करेंगे कि जब कंफर्म हो गया तो पूरे पूरे बता क्यों नहीं रहे हैं। तो पूरे पूरे इसलिए नहीं बता रहे हैं कि विभाग से पूरे पूरे पॉइंट नहीं बताया जाता है, पहले लीक नहीं किया जाता है, इसलिए आप सब बता दुआ, मतलब एक्सपेक्टेड बता दिए कि 49 से 50% के बीच यहाँ पर कटअप गया है बीसी 40% का, जैसा कि हमें मालूम चला है। आप कटअप मिला सकते हैं, अगर अगर एक बात और, अगर इस कटअप से 50 से अगर ज़्यादा कटअप चला गया तो आप बाद में गाली भी दे सकते हैं, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं, कमेंट बॉक्स खुला रहता है हमेशा। आज तक मेरा कमेंट बॉक्स नहीं बंद हुआ है, ना बंद होगा, वादा के साथ कहते हैं। आपको जितना कमेंट करना है करिएगा, कोई बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप अपना राय अभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं कमेंट करने के लिए। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। सवाल आपको अच्छा लगा होगा।